कि हम बेरोजगार है। तो बोला कि भाई आखिर बेरोजगारी की भी शिक्षा और उसकी तो जरूरत होती है, तो ये बताइए कि रेल मंत्री कौन है आज के डेट में भारत सरकार के। तो कह रहे कौन, कोविंद जी होंगे और कौन है। तो सोचिए कि शिक्षा का स्तर क्या है। एक व्यक्ति, एक नौजवान जो रोजगार मांग रहा है, जो का खुद को बेरोजगार बता रहा है, उससे भारत के रेल मंत्री का नाम नहीं पता। और एक तो एक छोटा सा स्तर है कि वो ऐसा व्यक्ति रोजगार मांग रहा है जो उस लायक नहीं है। इसका मतलब कि हमारे शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी है और मुद्दा सिर्फ हवा हवाई है। शिक्षा में कमी है। और एक और चीज है जयदीक्षित साहब कि राजनीतिक पार्टियां जो है विपक्ष में है, अब मान लीजिए सपा विपक्ष में है, अब बोलने को तो वो अपने नाम भी ना लिख पाए खुद, लेकिन सपा ने तो उसके माइंड में डाल दिया है कि बीजेपी हटेगी तो तुम्हें रोजगार मिलेगा भैया। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो पॉलिटिकल भी एंगल्स, और जैसे कि मैं कहा, अब गुप्ता जी भी बोलेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि कमजोर जो है उसका शोषण होना तय है, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, शोषित कोई भी हो, उसका शोषण होना तय है। कमजोर का ही शोषण होता है। जो महिलाएं ताकतवर हैं, सशक्त हैं, उनको कोई आंख उठा के देख ले। अब मीडिया में जो बहुचर्चित नाम है, बहुचर्चित महिलाएं हैं, जो बहुत बड़ी पत्रकार हैं, एंड विथ फुल रिस्पेक्ट, और ब्यूरोक्रेसी में जो बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पायलट्स हैं, बड़ी बड़ी अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर कोई आंख उठा के देख ले, दोबारा खुद की आंखें नहीं देख पाएगा तो महिलाएं कहां। तो जब नेता लोग कहते हैं ना कि महिलाओं का हित नहीं, अरे भाई महिला अपना खुद हित देख लेगी, दलितों का हित नहीं, अरे ऐसे ऐसे दलित भाई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं, इनके बारे में कोई कुछ बोल के तो दिखाए, कोई कुछ बोल के तो दिखाए, चार दिन बाद उन्हीं की गाड़ी चलाता दिखेगा। समझ गया मैं। कविंद्र जी, मैं एक बात और रखना चाहूंगा। ये राजनीतिक जब चुनाव चालू होते हैं तो जो जनता के बीच एक मुद्दा होता है, मुद्दा साफ हो जाता है। एक समय ऐसा था कि यही उत्तर प्रदेश पुलिस भैंसों को ढूंढा करती थी।